सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप सभी लोग इंस्टाग्राम तो यूज करते होंगे और इंस्टाग्राम पर डेली पोस्ट भी करते होंगे, लेकिन जब हम इंस्टाग्राम पर अपना फुल फोटो अपलोड करते हैं तो हमारा फुल फोटो इंस्टाग्राम के साइज के मुताबिक नहीं होता, तो हमारा फोटो में क्रॉप करना पड़ता है या फिर हमें स्क्वायर फीट की मदद से अपना फोटो पोस्ट करना पड़ता है। लेकिन जब हम स्क्वायर फीट का यूज करते हैं तो हमारी प्रोफाइल में उतना अच्छा खासा लुक नहीं देती, प्रोफेशनल लुक नहीं देती। आपने कई प्रोफेशनल लोगों की प्रोफाइल देखी होगी जो अपना फुल फोटो अपलोड करते हैं स्क्वायर फीट के बिना। आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मेरे कहने का मतलब है कि आपने कई प्रोफेशनल लोगों की प्रोफाइल देखी होगी जो स्क्वायर फीट के यूज करे बिना अपना फुल फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने फोटो को क्रॉप करें बिना या फिर स्क्वायर फीट के यूज के बिना अपनी फुल फोटो इंस्टाग्राम पर कैसे अपलोड करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कीजिए। तो दोस्तों, जैसे अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा फोटो है मैं फुल अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर मुझे फेस चाहिए मेरा तो मेरे पैर कट हो रहा है नीचे से, अगर मुझे पैर चाहिए तो मेरा फेस ऊपर से कट हो रहा है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है स्नैपशीट। आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल होगी तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफी लोगों को पता होगा स्नैपशीट बेसिकली एक एडिटिंग एप्लीकेशन है, काफी अच्छा फोटो आप एडिट कर सकते हैं। कई यूट्यूबर ने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर हम इस फोटो को स्नैपशीट में ओपन करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसे हम अपना फोटो स्नैपशीट में ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक तीन ऑप्शन है, टूल्स का, एक्सपोर्ट का और स्टाइल का। तो यहाँ पर दोस्तों हमें टूल के ऊपर क्लिक करना है। टूल के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो सेकंड रो में हमें लास्ट का ऑप्शन है एक्सपेंड का, उसके ऊपर क्लिक करना है। एक्सपेंड को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्लर एरिया है, यहाँ पर जो राइट साइड ब्लर एरिया है उसके ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करना है। तो जैसे आप एक्सपेंड करते हो तो आप देख सकते हो एक नया बैकग्राउंड ऐड हो रहा है, हमारा जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है उससे थोड़ा सा नया बैकग्राउंड ऐड हो रहा है और मर्ज होके हमें अपना ओरिजिनल बैकग्राउंड जैसा ही दिखने को मिलता है। तो थोड़ा सा ऊपर से मैं मर्ज कर एक्सपेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो ब्लर हो रहा है वहां से ही आप एक्सपेंड कीजिए। देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड जो कार है यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ तो आप देखिए जो कार है वो ब्लर हो गई, हमारे फोटो में अच्छा खासा लुक नहीं दे रही, हमारा फोटो थोड़ा सा बेकार दिख रहा है। तो जहां पर दोस्तों बैकग्राउंड ब्लर है वहां से ही थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा फोटो अपना एक्सपेंड कर देता हूँ फिर से। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्सपेंड हो गया रेडी, यहाँ से आप राइट कर दीजिए। राइट करने के बाद लास्ट में एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है फिर से आप ओपन कीजिए इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपका फोटो इंस्टाग्राम पर शो होने लगेगा और आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड जो हमारा फोटो कट हो रहा था फुल फोटो इंस्टाग्राम पर वो कट नहीं हो रहा है, हमारा फोटो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी ट्रिक हमारे इंस्टाग्राम पर फोटो फुल फोटो अपलोड करने के लिए। आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं ऐसे ही फोटोग्राफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।